चीन पर राहुल के बयान को जेपी नड्डा ने बताया सेना का पान। पूछा कांग्रेस, चीन में कोई समझौता है? कांग्रेस का सवाल, क्या देवसांग में देश ने गवाई अपनी जमीन? केंद्र को राहुल ने दी तीनों कृषि कानून वापस लेने की चेतावनी। श्रीगंगानगर की रैली में कहा नहीं तो प्रधानमंत्री को अपनी ताकत दिखा देंगे किसान। टीएमसी से सांसद दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे पर सियासी तकरार। बीजेपी बोली जब चाहे पार्टी में स्वागत। तृणमूल ने कहा हमें कोई नुकसान नहीं। दिनेश त्रिवेदी ने पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा को बनाया मुद्दा। कहा जमीर से बंधुआ मजदूर की तरह चुपचाप देखते रहने की नहीं दे रहा गवाही। बंगाल में लेफ्ट दलों का 12 घंटे का राज्य बंद का ऐलान। बर्दवान समेत कई जगहों पर रोका रास्ता। टीएमसी कार्यकर्ताओं से तनातनी और झड़प। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की जगह लेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। संभालेंगे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी। कांग्रेस ने राज्यसभा अध्यक्ष को दी जानकारी। जारी है किसानों का आंदोलन। सिंघु बॉर्डर पर आंदोलनकारियों ने आगे की रणनीति का किया ऐलान। हरियाणा में किसानों का समर्थन कर रहे हैं खाप पंचायत। हिसार में पुनिया खाप ने किया दिल्ली का कूच का ऐलान। दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर उबाल। पुलिस ने रंजिश को बताई वजह। परिवार का आरोप राम यात्रा के बाद से तनाव। उत्तराखंड तपोवन आपदा में मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 38। 166 अब भी लापता। ऋषि गंगा नदी में उतार चढ़ाव को देखते हुए अलर्ट जारी। मेक इन इंडिया अभियान के तहत सेना में शामिल होंगे 118 अर्जुन मेन बैटल टैंक। 14 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे समर्पित। पूरी तरह स्वदेशी है आर्मी की यह नई ताकत।